नमस्कार, सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की सरकार की तरफ से चार सबसे बड़ी सरकारी योजना के रिगार्डिंग जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर। अगर आप लोग भी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर कि राशि लौटाने के नाम पर जो है यहाँ पर किसान से धोखाधड़ी जो यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोग भी यहाँ पर अवैध तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, अगर आप लोग को भी यहाँ पर राशि लौटानी है तो यहाँ पर आप लोग को कहाँ से और कैसे लौटानी, क्योंकि जो यहाँ पर राशि लौटाने के नाम पर जो यहाँ पर धांधली की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है। और नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आप लोग भी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर जो है कैंप लगाकर जो यहाँ पर लोन देने का भी यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया। आप लोगों की जो भी लाभार्थी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उन सभी का यहाँ पर कैंप लगाकर लोन देने का भी यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है। किस डेट को जो यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 31 मार्च तक जो है सभी ग्राम पंचायत में जो यहाँ पर अभियान चलाकर जो है सभी लाभार्थियों का यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड क्या है सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। किस ग्राम पंचायत में अभी तक कितने जो है आयुष्मान कार्ड बनाया गया है सारा जानकारी को जो इस वीडियो में कैप्चर किया हूँ। और नेक्स्ट जो चौथा बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यहाँ पर देश के कुछ राज्यों की जो यहाँ पर तर्ज पर जो है बिहार ने तैयार किया है एक ऐप ट्रायल शुरू जो यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे जो आप लोग मोबाइल पर जो है यहाँ पर मिलेगा बिजली बिल, ऐप करेगा जो यहाँ पर मीटर का रीडिंग। आप लोग भी यहाँ आप लोग के घर में भी यहाँ पर बिजली है तो आप लोगों के लिए जो एक खबर जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ पर चार जो है यहाँ पर सरकारी योजना के रिगार्डिंग में बताया हूँ। अगर चार में से जो आप लोग का कोई भी यहाँ पर खबर आप लोग की काम की है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोग की चार में से कोई भी खबर काम की नहीं है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो सबसे बड़ी जो है खबर निकल कर आ रही है कि राशि लौटाने के नाम पर किसान से जो यहाँ पर धोखाधड़ी जो यहाँ पर की जा रही है, जो आप लोग की जान लेना यहाँ पर काफी बेहद जरूरी है, अन्यथा जो आप लोग यहाँ पर ठगी का शिकार भी बन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसा लौटाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ जो है धोखाधड़ी करने का मामला जो यहाँ पर सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित थाना क्षेत्र के पंथपाकर गाँव के जो यहाँ पर निवासी मिथिलेश कुमार शाही ने थाना में जो है आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया कि 4 मार्च को सुबह 10:47 में जो है यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति ने जो यहाँ पर फोन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस नंबर से फोन कर बताया कि पीड़ित के खाते में किसान सम्मान निधि अवैध रूप से जो है चला गया है। फोनकर्ता ने तत्काल जो है उस राशि को SBI के खाता संख्या, इतना जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोन नंबर और यहाँ पर ये जो है खाता संख्या दिया गया है पर ट्रांसफर करने को जो यहाँ पर कहा गया, अन्यथा कार्रवाई करने की भी यहाँ पर बात की गई। उसके बाद से जो है घबराए पीड़ित ने तत्काल अपने खाता से 10,000 रुपये निफ्ट कर दिया। इस बात की सूचना देने के लिए जो है जब पीड़ित ने फोनकर्ता को फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया, तब पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। धोखाधड़ी की सूचना बैंक प्रबंधक को दी गई। बैंक प्रबंधक ने तत्काल FIR दर्ज कराने को कहा। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर मामले की जो है छानबीन शुरू यहाँ पर कर दी गई है। अगर आप लोग भी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप लोगों की राशि को लौटानी है तो आप लोग आसानी से जो है राशि को वापस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में लिंक है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक ही बात जो है हर वीडियो में बताना संभव नहीं है। और नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 13 को जो है कैंप लगाकर जो है यहाँ पर लोन देने का यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं DM ने शशांक शुभंकर ने PM स्वयं निधि योजना के तहत सभी वेंडरों को ऋण बैंक का त्वरित निष्पादन करने का यहाँ पर आदेश दिया है कि इसके साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा 13 मार्च को कैंप लगाकर ऋण वितरित करने का जो यहाँ पर निर्देश दिया है। वे शनिवार को जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति के त्रैमासिक बैठक कर रहे थे। उन्होंने मत्स्य एवं डेयरी के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण कैंप यहाँ पर लगाकर प्राथमिकता के आधार पर देने का भी यहाँ पर बैंकर्स को यहाँ पर दिया। साथ ही जिला मत्स्य कार्यालय, जिला गव्य विकास कार्यालय दुग्ध सहकारी समिति एवं जिला पशुपालन कार्यालय को द्वारा जो यहाँ पर बैंकों को भेजे गए आवेदनों का निष्पादन जो यहाँ पर तुरंत कराने को यहाँ पर कहा। कलेक्ट्रेट में शनिवार को आयोजित उक्त बैठक में बैंकों की यहाँ पर समीक्षा करते हुए कई योजनाओं में जो यहाँ खराब प्रदर्शन देखा। DM ने सभी को हिदायत भी दी कि नाबार्ड के DDM जयंत विष्णु ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं FPO को
प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग की वृद्धि सीडी रेशियो में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी का सुझाव दिया। साथ ही पीएम किसान के लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण देकर लाभ पहुँचाने को भी यहाँ पर कहा गया। समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने 40% से कम सीडी रेशियो वाले बैंक को सुधार लाने का भी यहाँ पर निर्देश दिया। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो यहाँ पर 28.45%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो यहाँ पर 32.29%, पंजाब नेशनल बैंक को जो यहाँ पर 21.27% और IDBI बैंक को जो यहाँ पर 19.42% और इंडस इन को जो यहाँ पर 5.5% एवं कोटक महिंद्रा बैंक को जो यहाँ पर 4.87% ही रहा, जो कि राज्य एवं जिले के औसत से जो है बहुत कम है। वही वार्षिक शाखा योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया को जो यहाँ पर 22.57%, यूको बैंक को जो यहाँ पर 17.50%, इंडस इंड बैंक को जो यहाँ पर 19.83%, कोटक महिंद्रा बैंक को जो यहाँ पर 5.89%, उत्कर्ष जो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो यहाँ पर 16.77%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 24.5% दिसंबर तक जो है लक्ष्य के सापेक्ष में रहा, जो अत्यंत निराशजनक है। इस संदर्भ में इन सभी बैंकों को यहाँ पर 2021 तक लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश यहाँ पर दिया गया। LDM PK सिंह ने सभी बैंकों के जिला समन्वयक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ जिले के सभी लोगों तक पहुंचाने का भी यहां पर निर्देश दिया गया। यानी कि इतने जो जितना मैं बैंक बताया हूं, प्रतिशत बताया हूं, सारी बैंक ने जो है इतने प्रतिशत में जो यहां पर लाभ जो है लाभार्थियों तक पहुंचाया है। और यहां पर जो है मार्च तक जो है यहां पर साफ साफ जो यहां पर निर्देश जारी किया गया है कि सारा का सारा योजना का लाभ जो सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना है किसी भी हर हाल में। तो यहां पर 13 मार्च को जो यहां पर कैंप लगाकर जो है यहां पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो सभी वेंडरों को यहां पर रिंग बैंक से जो यहां पर त्वरित निष्पादन करने का यहां पर आदेश दिया गया है। और नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर जिले में 31 तक जो है चलेगा आयुष्मान पखवाड़ा, आने की जो यहां पर कैंप लगाकर जो यहां पर आयुष्मान कार्ड जो है बनाया जाएगा। जैसे में यहां पर देख सकते हैं कि जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के परिवारों का 100% आयुष्मान कार्ड बनाने को यहां पर लेकर अब ग्राम पंचायतों में 31 मार्च 2021 तक जो है आयुष्मान पखवाड़ा चलेगा। पहले 17 फरवरी से 3 मार्च तक ही आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, लेकिन जो है राज्य सरकार ने 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है तिथि बढ़ा दी है। अब जो 31 मार्च तक जो है सभी ग्राम पंचायत में यहां पर कैंप लगाकर जो आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड जो यहां पर बनाया जाएगा। इसके लेकर बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह अपर सचिव स्वास्थ्य कौशल किशोर प्रसाद ने पत्र लिखकर डीएम एवं सिविल सर्जन को यहां पर निर्देशित किया कि साथ ही 31 मार्च 2021 तक जो है 100% हासिल करने का भी यहां पर निर्देश दिया गया कि कोई भी लाभार्थी यहां पर नहीं छूटना चाहिए। सभी का जो यहां पर आयुष्मान कार्ड जो यहां पर बन जाना चाहिए। इस बाबत में जो यहां पर सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने शुक्रवार को जिले के 31 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किए जाने का यहां पर पत्र निर्गत किया है, जिसमें कार्यपालक सहायकों को यहां पर सभी पत्र लाभुकों का कार्ड बनाए जाने का यहां पर निर्देश दिया गया। यानी कि जो भी यहां पर पात्र लाभार्थी है, जिसमें कार्यपालक सहाय को सभी पात्र लाभुकों को यहां पर कार्ड बनाए जाने का यहां पर दिशा निर्देश जारी किया कि अब तक जो है यहां पर 17,258 लाभुकों को जो यहां पर बना कार्ड, जिले की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, जिले में जो यहां पर 17,258 लाभुकों को जो यहां पर बना है कार्ड। 17 फरवरी से जिले के सभी 17 प्रखंडों के ग्राम पंचायत में जो यहां पर चलाए जा रहे आयुष्मान पखवाड़ा में अब तक जो है कुल 17,258 लाभुकों का जो यहां पर कार्ड जनरेट हुआ है, जिसके तहत सोनबारसा में जो है यहां पर आप लोगों की लिस्ट में यहां पर बता देता जिसके तहत जो यहां पर सोनबारसा में जो है यहां पर 2116 है और रूनी सदयपुर में जो यहां पर 1761 है, डुमरा में जो है 1721 है, रीगा में जो यहां पर 1568 है, बुखारा में जो यहां पर 1391 है, बैरगिनिया में जो है 1111 है, सुरसंड में 953 है, बेलसंड में 931 है, नानपुर में जो यहां पर 900, भतनाहा में जो है 750 है, बाजपट्टी में 704 है, परिहार में जो है 690 है, मेजरगंज में जो है 663 है, पुपरी में 636 है, परसौनी में 530 है, सूपी में जो है 518 है, चोरौत में जो है 515 लाभुकों का यहाँ पर जेनरेट किए गए हैं। यानी कि इतने प्रखंड में जो है इतने कार्ड जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर CS ने कहा कि लाभुकों के अनुपात में कम कार्ड जेनरेट करने वाले प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारियों को यहाँ पर कार्यपालक सहायकों को फटकार लगाई गई है। साथ ही उन लोगों को 31 मार्च 2021 तक 100% लक्ष्य प्राप्ति का आदेश भी यहाँ पर दिया गया है कि 31 मार्च तक कोई भी लाभार्थी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी का सभी जो यहाँ पर सभी लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन जाना चाहिए। 5 लाख तक की जो यहाँ पर
मुफ्त चिकित्सा का जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनने के बाद जो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में जो है 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क जो है इलाज करा सकते हैं। यह सुविधा उन अस्पतालों में मिलेगी जो इस योजना के तहत पंजीकृत होंगे। CS ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हड्डी, बर्न, नसबंदी, प्रसव, नवजात शिशु, इमरजेंसी रूम पैकेज, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, हृदय रोग एवं सभी गंभीर बीमारियों का मुफ्त में जो है इलाज का प्रावधान है, जिससे देश में मृत्यु दर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं का संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों को योजना से संबंधित आयुष्मान गोल्डन कार्ड निर्माण कर जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कार्ड बनेंगे, बहुत जल्द जो है 1 वीक के अंदर जो आप लोग को घर पर यहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे। यहाँ पर गोल्डन कार्ड साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग 31 मार्च तक जो है आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश के कुछ राज्यों के तर्ज पर जो है बिहार ने तैयार किया है एप ट्रायल शुरू। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल पर मिलेगा बिजली बिल, ऐप करेगा यहाँ पर मीटर का रीडिंग। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ समझ लीजिए कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग को साफ साफ जो यहाँ पर देख सकते हैं, मीटर रीडर अगर बिजली मीटर की रीडिंग करने नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बिजली कंपनी ने ऐसा सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है जिससे जो है यहाँ पर उपभोक्ता खुद ही जो यहाँ पर मीटर की रीडिंग कर कंपनी से जो है बिजली बिल जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब जो है आप लोग खुद से जो यहाँ पर आप लोग मीटर रीडिंग कर जो है आप लोग कंपनी से जो आप लोग अपना बिजली बिल जो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देश के कुछ राज्य की तर्ज पर जो है बिहार ने भी उपभोक्ताओं को खुद से जो यहाँ पर मीटर रीडिंग की सुविधा देने का जो यहाँ पर निर्णय लिया है। फिलहाल पटना के शहरी क्षेत्र में पेशू में इस सुविधा का जो है ट्रायल चल रहा है। अगले महीने से इसे जो है पूरे बिहार में लागू करने की यहाँ पर योजना। कंपनी अधिकारियों के अनुसार सुविधा मोबाइल ऐप से जो है उपभोक्ताओं को अभी कई तरह की सुविधाएं जो है मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो है अगला मंथ तक जो है यहाँ पर अगला महीना तक जो यहाँ पर बिहार के सभी जगहों पर जो यहाँ पर इस सुविधा को यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। इसके तहत नए कनेक्शन से लेकर लोड बढ़ाने सहित अन्य सेवाओं को इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। इस कड़ी में सुविधा मोबाइल ऐप को अब और विस्तार जो यहाँ पर दिया गया। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से वैसे उपभोक्ता अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं जिनको किसी महीने बिजली बिल नहीं मिल पाया हो। हालांकि इस ऐप से वही उपभोक्ता बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पिछले 45 दिनों से बिजली बिल नहीं मिला हो। वही उपभोक्ता जो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता चाहेंगे तो उनको सुविधा मोबाइल ऐप से बिजली बिल नहीं मिल सकेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर उपभोक्ता चाहे तो उनको सुविधा जो है मोबाइल ऐप से बिजली बिल भी नहीं मिल सकेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को कहाँ से और कैसे जो ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए नया प्रयोग सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को मिलेगी यहाँ पर बिजली बिल की सुविधा, और 45 दिनों तक बिजली नहीं मिलने पर लोग उसका जो है उठा सकते हैं लाभ। 45 दिन अगर आपको बिजली बिल नहीं मिलता है तो इसका लाभ जो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, तो ऐसे डाउनलोड करना होगा इस ऐप को। सबसे पहले जो उपभोक्ता को गूगल प्ले स्टोर से जो है सुविधा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप पर जो है एक लिंक उपलब्ध रहेगा जो बिजली बिल प्राप्त करने के लिए जो है रहेगा। इस लिंक को खोलते ही उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी जो है आप लोग को देनी होगी। यानी कि उपभोक्ता संख्या जो है आप लोग को डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और अन्य जानकारी जो भी होंगे वहाँ पर जो आप लोग को फिलअप करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर बिजली मीटर की तस्वीर जो है खींचकर मोबाइल के माध्यम से जो ऐप पर अपलोड करना होगा। लिंक के माध्यम से सूचना मिलने पर कंपनी अधिकतम 2 दिनों के भीतर यह छानबीन कर लेगी कि अमुक उपभोक्ता को पिछले 45 दिनों से बिजली बिल मिला है या नहीं। इसकी पुष्टि होते ही कंपनी उपभोक्ता के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर बिजली बिल भेज देगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया इसके बाद लोग बिल का भी यहाँ पर भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आसानी से जो यहाँ पर कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए अब इससे जो आप लोग को क्या लाभ होंगे, तो यहाँ पर ये होगा यहाँ पर लाभ। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के नियमानुसार 23 से 30 दिनों के भीतर मीटर रीडिंग की जानी है, लेकिन लोगों की यह अक्सर शिकायत रहती है कि मीटर रीडर नियमित तौर पर मीटर की रीडिंग करने नहीं आते। एक साथ 2-3 महीने का बिल आने से अधिक पैसा जमा करने में जो है परेशानी होती है। साथ ही यहाँ पर बकाया होने पर कनेक्शन कटने का भी यहाँ पर खतरा भी रहता है। ऐसे में अगर किसी कारणवश मीटर रीडिंग नहीं हो पाए तो लोग खुद ही यहाँ पर मीटर की रीडिंग जो यहाँ पर कर बिजली बिल जो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा का सारा लाभ जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पेशू में चल रहे ट्रायल के तहत अभी लोगों को 1 दिन में ही बिजली बिल देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यानी कि 1 दिन के अंदर अधिक लोड होने पर भी 2 दिनों के भीतर जो है अनिवार्य तौर पर बिजली बिल दे दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। इसमें
जो है इस प्रकार से जो है इसका लाभ जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत बिहार सरकार ने यहाँ पर ये सुविधा जो यहाँ पर लागू कर दी, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर से जो है इस ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और वहाँ से आप लोग उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर आदि जानकारी डालकर आप लोग बिजली बिल जो है खुद से निकाल सकते हैं। तो यही जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है एक खबर निकल आ रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।